तो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वे चैनल। और आज के वीडियो में जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस और रिव्यू रियलमी GT का। ये जो डिवाइस है मैं लगभग आपका 5 to 7 days से यूज़ कर रहा हूँ, और इस डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा इन डीप मैंने यूज़ किया है, क्योंकि एज अ प्राइमरी डिवाइस ही मैंने इसको यूज़ किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी है और बतानी है कि इस डिवाइस में आपको क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स देखने को मिलती है। तो चलते हैं फटाफट वीडियो की तरफ, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर। यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है आपको 6.43 इंच का देखने को मिलता है, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120Hz रिफ्रेश रेट। ये जो डिस्प्ले है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और इन हैंड फील आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा इस डिवाइस का। जब आप इस फ़ोन को इन हैंड लेते हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है ना वो काफ़ी बढ़िया मिलता है। हालांकि इसका जो पंच होल है वो भी काफ़ी छोटा है, तो मिनिमल होने से आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया मिलेगा इस डिवाइस में। ये जो डिवाइस है आपको जो है 120Hz रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है, तो जो एक्सपीरियंस है वो जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और जब आप जो है रियलमी UI को यूज़ करते हैं इसमें, तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो 2x हो जाता है। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है इसके डिस्प्ले को लेकर, और YouTube पे भी आप 1080p वीडियोस देख सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मेरे को लगा वहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे जो व्यूइंग एंगल्स है और जो इसका एक्सपीरियंस है, मीन्स जो कंट्रास्ट रेशो वगैरह जो है डिस्प्ले के, वो काफ़ी बढ़िया है। तो आपको जो डेली लाइफ में जब आप मल्टीटास्किंग करेंगे, जब आप वीडियोस देखेंगे, यहाँ पे मूवीज़ देखेंगे, तो वो जो एक्सपीरियंस होगा आपका वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और जब आप इस फ़ोन को इन हैंड भी लेते हैं ना, तभी आपको पता लग जाता है कि इसका जो डिस्प्ले है वो कितना ज़्यादा रिच है। और साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूँ, जो ये डिस्प्ले है ना वो स्टैंडर्ड है, मीन्स रियलमी X7 मैक्स, रियलमी X7 प्रो, उनमें भी आपको सेम यही डिस्प्ले देखने को मिलती थी। तो अब जो है थोड़ा सा बात करते हैं इस फ़ोन के इन हैंड फील की। यहाँ पे रिव्यू में जो है इन हैंड फील भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो इस फ़ोन का जो फिज़िकल ओवरव्यू है वो काफ़ी बढ़िया है। मींस प्रीवियस जनरेशन से अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट होता है, और काफ़ी बढ़िया मेरे को लगा। यहाँ पर जो इसका जो ग्रे कलर है ये काफ़ी ज़्यादा अलग लगता है, और एक जो है लिमिटेड एडिशन वाला फील आपको देगा। तो वो चीज़ मेरे को इसमें काफ़ी बढ़िया लगी। और इन हैंड फील अगर आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है फ़ोन, तो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को वहाँ पे। साथ ही साथ जो है एक और चीज़ इस फ़ोन में अच्छी है, वो है इसका हेडफोन जैक। यहाँ पे जो है प्रीवियस जनरेशन अगर आप देखते हैं, जैसे कि X7 Pro, उसमें आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता था, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हटाई गई है। तो GT सीरीज़ में आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 778G वाला चिपसेट दिया गया है। हालांकि ये जो चिपसेट है आपको जो है 5G चिपसेट मिलता है, और ये जो चिपसेट है ये 6nm पे बेस्ड है। तो 6nm प्रोसेसिंग है, तो आपको जो एफिशिएंसी मिलती है पावर की, तो वो काफ़ी अच्छी मिलती है। हालांकि जो इस फ़ोन की बैटरी है वो काफ़ी कम है, वो हम बैटरी डिपार्टमेंट में बात करेंगे। उससे पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे जो है मीडियम सेटिंग्स में आप गेम्स कर सकते हो, खेल सकते हो, और जो नेटवर्क इश्यूज़ वगैरह है वो यहाँ पे मेरे को देखने को नहीं मिले। तो यहाँ पे जो है मैंने जो सिम डाली हुई है, मेरे को उसमें कॉलिंग वगैरह में कोई भी इशू नहीं आई, और गेमिंग के मामले में भी ये प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया रहा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके UI की, तो यहाँ पे आपको Realme UI 2.2 मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 मिल जाता है। तो लेटेस्ट जो है UI आपको प्रोवाइड किया गया है। हालांकि ये जो डिवाइस है ये इसमें कुछ ट्विक्स किए गए हैं, जिससे कि GT सीरीज़ में आपको अलग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जैसे कि GT मोड आपको मिल जाता है। तो Realme UI 2.0 ही है इसमें, लेकिन इसमें कुछ ट्विक्स किए गए हैं जिससे कि इसको GT सीरीज़ के लिए जो है कस्टमाइज़ किया गया है। हालांकि यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स जैसे कि वॉलपेपर्स, थीम्स आपको मिल जाते हैं जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट है। तो वहाँ पे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी इस फ़ोन में। तो UI के मामले में ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है और काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, तो आपको UI में कोई भी इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बैटरी की, तो बैटरी जो है इसमें 4300 mAh की बैटरी मिलती है, और आपको 65W चार्जिंग मिलती है। चार्जिंग में आपको कोई भी इशू नहीं लगेगा, जो चार्जिंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है फ़ोन, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगा। लेकिन जो बैटरी इसकी ड्रेन होती है वो चीज़ मैं बात करूँ, तो यहाँ पर 6nm प्रोसेसिंग होने से जो चिपसेट है वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, तो आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा वो काफ़ी सही मिलता है। मेरे को लगभग आधे से ज़्यादा दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है जब मैं इसमें मल्टीटास्किंग करता हूँ। अगर मैं इसमें वीडियो एडिटिंग करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर इसमें थोड़ी बहुत गेमिंग भी करता हूँ और यूट्यूब सर्व करता हूँ, तो आधे घंटे से आपको मीन्स आधे दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा, फुल डे बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा उसमें।
साथ ही साथ एक और चीज़ ऐड कर दूँ, जो कि इसका हेडफोन जैक है उसका आउटपुट काफ़ी बढ़िया है। आप जो है वायरलेसली भी सुनते हैं तो आपको डॉल्बी का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जो इसका वायर्ड हेडफोन है उसमें भी आपको डॉल्बी का इफेक्ट नहीं मिलेगा, जिससे कि जो एक्सपीरियंस है वो इसका इनबिल्ट ही मिलता है, लेकिन साउंड एक्सपीरियंस इसमें सही है पहले से। तब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो कि है इसका कैमरा। यहाँ पे आपको 64 MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 8 MP का जो है सेकेंडरी सेंसर जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 MP का आपको मैक्रो सेंसर मिलता है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है यहाँ पे, और जो कैमरा की प्रोसेसिंग पावर है वो काफ़ी सही है। आपको पोर्ट्रेट शॉट्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे, डे लाइट शॉट्स और इनडोर शॉट आपको बढ़िया मिलेंगे, लेकिन जब आप नाइट शॉट्स लेते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़े बहुत ब्लरी देखने को मिलते हैं इमेजेस, लेकिन आप उसमें भी नाइट मोड का यूज़ कर सकते हैं तो वो भी काफ़ी बढ़िया बात है, और जो नाइट शॉट से वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं इसमें। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो 32 MP का आपको सेंसर मिलता है सिंगल सेंसर, जो कि आपको काफ़ी डिसेंट पोर्ट्रेट्स लेके दे सकता है फ्रंट कैमरा से, और काफ़ी बढ़िया इमेज क्वालिटी है उसकी भी। साथ ही साथ बता दूँ कि इसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आप 4K 60 FPS तक कर सकते हैं रियर कैमरा से, और जो फ्रंट कैमरा है वो 1080p 30 FPS तक के वीडियोज़ ले सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा में जो एडिशनल फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको स्ट्रीट मोड मिल जाता है, वीडियो बोके मिलता है, पोर्ट्रेट मोड मिलता है, और ऐसे ही AI के फीचर्स मिलते हैं। तो यही कुछ डिपार्टमेंट्स थे, जैसे कि कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और आपका जो है बैटरी बैकअप और UI। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको कंफर्म कर दी कि आपको इस फ़ोन में कैसे मिलती हैं। अब बात आती है वर्डिक्ट की। तो ये जो डिवाइस है ये अपने प्रीवियस जनरेशन से आपको थोड़ा बहुत अपग्रेड देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बात करते हैं इसके प्राइसिंग के अकॉर्डिंग इस फ़ोन की, तो आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया मिलती है। हालाँकि ये फ़ोन उनके लिए है जिनको लाइट वेट और कॉम्पैक्ट फ़ोन पसंद है, क्योंकि ये फ़ोन इन हैंड फील काफ़ी बढ़िया देता है एक हाथ से। तो यही था Realme GT Master Edition का एक रिव्यू। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।